हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूब स्टडी 1981। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर, सितंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। एज आई प्रोवाइड कोचिंग एट माय होम, दिस क्वेश्चन पेपर आई हैव गेट फ्रॉम माय स्टूडेंट, जो कि अभी कल ही हुआ है उसका। तो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको पता चल जाएगा क्या पैटर्न है और कैसे करना है। और सितंबर 2023 का लेटेस्ट ही क्वेश्चन पेपर है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं कि कैसे है। ये 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है, ओके। 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, टाइम अलाउड 3 आवर्स है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस ए टू ई, इसमें 5 सेक्शंस हैं ए टू ई। सेक्शन ए हैज 20 MCQs कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन ए में 20 MCQs हैं और 1 मार्क का है हर एक MCQs, इट मीन्स 20 मार्क्स के दो आपको MCQs ही आ रहे हैं इसमें। सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी हैज 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी हैज 4 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन ई हैज 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ 1, 1 एंड 2 एंड 2 मार्क्स ईच सेपरेटली। तो सेक्शन ई में सीसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क ईच होगा, और 4 मार्क वाले क्वेश्चन को आगे उन्होंने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है 1, 1 एंड 2 में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए क्या है, MCQs है और इसमें 20 MCQs हैं एंड ईच MCQs कैरी 1 मार्क। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 385 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कैसे करना है हमने इसको, मैंने क्वेश्चन यहाँ नोटबुक पे भी लिख दिया ये वाला। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 385 क्या होते हैं, 385 के प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइज ही करना है, प्राइम फैक्टराइज करने को ही बोल रहे हैं वो, तो करेंगे प्राइम फैक्टराइज। तो क्या फैक्टर्स आए, 5 × 7 × 11, 5 भी प्राइम फैक्टर है, 7 भी प्राइम फैक्टर है, 11 भी प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, इट मीन्स ये तीनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं। तो क्या इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, 5 × 7 × 11, विच इज द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। ए ऑप्शंस दे रखी हैं, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 9। क्या मीनिंग है क्वेश्चन का, कि अगर सम ऑफ जीरोस कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है हमारे पास और उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जीरोस का सम गिवन है जो कि है 3, और हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ के, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें गिवन है, क्या गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या है, 3x² माइनस kx प्लस 6, ये गिवन है हमें, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं। सम ऑफ जीरोस गिवन है 3, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, गिवन क्या है, a एंड b जीरोस हैं, आर जीरोस हैं ये, और सम ऑफ जीरोस गिवन है दैट इज 3। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस a प्लस बी इक्वल किसके होगा, माइनस बी अपॉन a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3, b वैल्यू माइनस k, c वैल्यू इज 6, ओके। पुट करेंगे a प्लस बी इक्वल किसके गिवन है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 3, तो ये a प्लस बी इक्वल हो गया 3 के हो गया, ठीक है। 3 इक्वल टू बी किसके इक्वल है, माइनस, एंड माइनस के अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इक्वल टू के, के की वैल्यू आ गई है 9, ओके। यही तो हमने फाइंड आउट करना था, तो राइट ऑप्शन क्या है,
डी डी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. इफ ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. अब बोल रहे हैं कि अगर ए और बी जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल की, कौन सा पॉलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसकी जीरोज अगर ए एंड बी हैं तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स हमने जीरोज फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन हमें गिवन है 1 and 2, 1 and -2, -2 and 1, 2 and 1. तो देखते हैं राइट ऑप्शन या राइट आंसर क्या है हमारा. मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ नोटबुक पे ताकि आपको साथ साथ में पता चलता रहे क्वेश्चन क्या है और गिवन क्या है. पॉलिनोमियल गिवन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और जीरोज गिवन है. क्या है जीरोज, ए एंड बी. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो करते हैं इसको. सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, ए एंड बी जीरोज हैं तो इनका सम किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के. ए प्लस बी इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या होगी इसमें वन, बी की वैल्यू ए एंड सी वैल्यू इज बी. तो पुट बी की वैल्यू क्या है ए, तो माइनस ए हो जाएगा, ए की वैल्यू है वन तो माइनस ए अपॉन वन. तो ए प्लस बी इक्वल टू किसके हो गया, माइनस ए के. तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए माइनस ए. तो बी इक्वल टू हो गया माइनस टू ए. इससे हमें क्या हुआ है, हमें बी मिला है माइनस टू ए के इक्वल मिला है. अभी हमें बी की वैल्यू नहीं मिली. अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल टू सी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए. तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए. सी किस की वैल्यू क्या है, बी, और ए की वैल्यू क्या है वन. तो ए बी इक्वल टू बी हो गया. यहां से हम ए या बी की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ए इक्वल टू बी अपॉन बी हो जाएगा, ये बी इधर आकर डिवाइड होगा. तो ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वन. यहां से हमें ए की वैल्यू मिली, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं इस वाले में. तो b इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वन, बी इक्वल टू माइनस टू. ठीक है, तो b की वैल्यू आई है माइनस टू, a की वैल्यू आई है वन. तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, वन एंड माइनस टू. b इज अ राइट आंसर, b इज अ राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट द फोर्थ क्वेश्चन इज, वट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, लीनियर इक्वेशंस का हमें पेयर दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. लीनियर इक्वेशंस क्या है, 3x plus 2y minus 7 equal to 0 and second one is 4x plus y minus 6 is equal to 0. और ऑप्शंस गिवन है. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी ताकि क्वेश्चन वीडियो लंबी ना हो जाए. तो सीधा सॉल्व करते हैं. गिवन क्या है हमें, वो हमने लिख लिया है 3x plus 2y minus 7 equal to 0 and 4x plus y minus 6 is equal to 0. These linear equations are given to us and we have to find out the value of x and y. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x plus 2y equal to 7 and 4x plus y equal to 6. कैसे सॉल्व करेंगे, बाय दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के. एक होता है एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड वन इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा. पर्सनली आई प्रेफर एलिमिनेशन मेथड, तो मैं उसी मेथड से करूंगी. तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक्स या वाई किसी एक को हमने एलिमिनेट करना होता है, उसको खत्म करना होता है. तो उसको खत्म करने का क्या तरीका है, ये क्वेश्चन वन है एंड ये है क्वेश्चन नंबर टू. तो 3x plus 2y equal to 7, हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को 3 से करें, x टर्मिनेट हो जाएगा. या फिर मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उससे y टर्मिनेट हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, इक्वेशन वन गिवन है, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय टू. टू वाली इक्वेशन को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है,
तो हम ऐसा करेंगे तो क्या बने, टू वाली इक्वेशन क्या है, 4x plus y equal to 6 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 8x plus 2y equal to 12 बन जाएगा। ओके, अब ये वाली हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हम थर्ड नेम देते हैं। अब हम फर्स्ट वन और थर्ड वन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है थी, 3x plus 2y equal to 7, थर्ड इक्वेशन क्या थी, 8x plus 2y equal to 12। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस सारे चेंज हो जाएंगे, आपको मेथड पता होगा। तो 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 5x, प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 7 माइनस 12 इज माइनस 5, तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कटा, 5 से 5, x की वैल्यू आ गई 1। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, अभी इस x की वैल्यू को हम 1 इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 3x plus 2y equal to 7, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो 3 plus 2y equal to 7, तो 2y equal to 7 minus 3, 2y equal to 4 and y equal to 4 upon 2, that is y equal to 2, तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2, और 1,2, दिस इज अवर आंसर। तो कौन सी ऑप्शन राइट हुई, फर्स्ट वन, 1 and 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 सेइंग, द लाइंस एक्स वाई प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर, दो लाइंस हमें गिवन है और पूछ रहे हैं क्या ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या नन ऑफ दीज है। तो इसको अभी हमने आंसर करना है कि व्हिच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हमें दो लाइंस गिवन है, आपने देख ली ध्यान से, x प्लस 2y प्लस 5 एंड माइनस 3x प्लस 6y प्लस 1। पहले इसके थोड़ी सी रिविजन कर लें, क्या होता है, कब ये इंटरसेक्टिंग होती है, वेन ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है, वेन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू एंड इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देन दीज लाइन्स आर द कोइंसिडेंट लाइन्स। ये भी आपको सारा पता होना चाहिए, अभी उन्होंने लाइन्स के बारे में पूछा है। एंड वेन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देन दीज आर लाइन्स आर द पैरेलल लाइन्स। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है इसको सॉल्व करके। तो लाइंस गिवन है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट वन में a की वैल्यू क्या होगी, इन इक्वेशन 1 a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5। एंड सेकेंड इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2, ए इक्वल टू माइनस 3, बी इक्वल टू माइनस 6 एंड सी इक्वल टू 1। नाउ ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, दिस वन वी हैव टू चेक क्या आता है इनका आंसर। वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन माइनस 3, 2 अपॉन माइनस 6, 5 अपॉन 1, वैल्यू हमने पुट कर दी है। अभी कुछ इक्वल टू या नॉन इक्वल टू नहीं डाल लेंगे तो पता करें चलेगा सॉल्व करने के बाद। तो 1 अपॉन माइनस 3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 3, तो ये तो इक्वल हो गया, और 5 अपॉन 1 नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के, बट इक्वल टू नहीं है, ये हम यहाँ पे डालते, यहाँ नहीं डालते। ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन
बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। जब ऐसा होता है तो लाइन्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। सो दीज आर द पैरेलल लाइन्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - √5x + 1 = 0। एक इक्वेशन दे रखी है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि इस इक्वेशन की टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी या टू इक्वल रियल रूट्स होंगी या नो रियल रूट्स होंगी या मोर देन टू रियल रूट्स होंगी। ठीक है, हमने इसको आंसर करना है कि कौन सी रूट्स आएंगी इसको सॉल्व करने पे। पहले आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होती हैं? व्हेन b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। टू इक्वल रियल रूट्स कब होती हैं? व्हेन b² - 4ac इक्वल टू 0। एंड नो रियल रूट्स कब होती हैं? व्हेन b² - 4ac इक्वल इज लेस देन 0। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होते हैं और d किसके इक्वल होते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, इक्वल टू b² - 4ac। ओके, इसके ही इक्वल होते हैं ना। तो पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या गिवन है? -5² = -4 × 2 × 1। तो √5 × √5 क्या होगा? 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 - b² - 4ac। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 1। ओके, 5 - 8 = 0, तो -3 हो गया ये। तो ये आंसर आ गया हमारा -3। ओके, तो b² - 4ac की वैल्यू क्या आई है? -3 आई है, मीन्स लेस देन 0 आई है। तो जब लेस देन 0 होती है तो नो रियल रूट्स होता है। ठीक है, when b² - 4ac is less than 0, it means no real roots is our answer. So option c is the right answer. Now next question. Now question number 7. The roots of the equation 9x² - bx + 81 = 0. इनकी roots given है, 0 के equal है, 0 के equal है means 2 equal real roots given है। जो भी roots आएंगी वो इक्वल ही होंगी, सेम होंगी। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है फिर से। तो डी किसके इक्वल होगा? b² - 4ac। तो ए क्या है? 9। b = -b एंड c = 81। तो पुट करते हैं वैल्यू को, तो b है -b² -4 × 9 × 81। तो -b² क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा। -81 × 9 क्या होगा? 81 × 9 = 729। और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 × 3 = 11 1 2 9 1 6 आएगा। इससे बेटर है हम इसको दूसरे वे में करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। किसके इक्वल है? ये 0 के। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी। तो b² किसके इक्वल हो जाएगा? ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 × 9 × 81 पॉजिटिव आ जाएगा। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b इक्वल टू हो जाएगा इस सबका रूट, 4 × 9 × 81। मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमें उसका प्राइम फैक्टराइज भी करना पड़ता। अब 4 का स्क्वेयर रूट क्या होगा? 2। 9 का 3 और 81 का 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54। तो प्लस माइनस 54 होगा हमारा आंसर। प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो प्लस का भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव का आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव का आंसर भी। तो हम इसको लिखते हैं प्लस माइनस 54। देखो, अगर हम -4 होता तो उसका भी स्क्वायर रूट 2 ही होता। तो क्या आंसर आया हमारी? राइट ऑप्शन क्या आई? डी। डी इज अ राइट ऑप्शन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 - 6 - 2 2 इज, बताना है, इट इज एन एपी विद डी,
minus 16, or an AP with D 4, or an AP with D minus 4, or an AP with D 16. मीन्स इसमें हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. डिफरेंस, जस्ट डिफरेंस ही बताना है हमने. इसका डिफरेंस कैसे होता है, ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है, यही डिफरेंस होता है. ए फोर माइनस ए थ्री, ये सब क्या होता है, तो दो तीन फाइंड आउट करेंगे. तो ए टू, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है. ए टू माइनस ए वन माइनस सिक्स माइनस टेन, माइनस सिक्स माइनस माइनस टेन, तो माइनस सिक्स प्लस टेन इक्वल टू फोर. अब ए थ्री माइनस माइनस सिक्स, माइनस टू माइनस माइनस सिक्स, ए थ्री माइनस ए टू, माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर. पता चल रहा है, तो ये कौन सी एपी है विद डिफरेंस फोर. ये राइट, बी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी 10.6.2 इज. ऑप्शंस गिवन है और पूछ रहे हैं कि इनका सम क्या होगा. वो एक्चुअली हमें सम फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, ठीक है. मैंने कुछ यहाँ पे लिख के रख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए. इसमें हमें गिवन क्या है, ए गिवन है 10, फर्स्ट 16 टर्म्स बोल रहे हैं, मीन्स एन गिवन है 16, और डिफरेंस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4 इज द डिफरेंस, 2 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है. और सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो एस 16 फाइंड आउट करना है हमने, एन गिवन है 16 अपॉन टू, ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी, ठीक है. सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे. 16 अपॉन टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. 2 इंटू 10 20 प्लस 15 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 60 इक्वल टू 8. क्या करेंगे, 20 माइनस 60 कितना होगा, माइनस 40. तो 8 इंटू माइनस 40 इज माइनस 320 इज अवर आंसर. तो सम क्या हुआ, फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज माइनस 320. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच ए 18 माइनस ए 14 इक्वल टू 32. हमें गिवन है कि ए 18 माइनस ए 14 अगर हम करते हैं तो हमें 32 मिलेगा, और हमने कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस हमें गिवन है 8 माइनस 8 माइनस 4 एंड 4. लेट्स सॉल्व इट. तो ए 18 किसके इक्वल होगा, ए 18 माइनस ए 14 गिवन है, तो इसी को हम यूज करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन को ही हम यूज करके डी निकाल लेंगे. तो ए 18 किसके इक्वल होगा, ए प्लस 17 डी, बिकॉज ए 18 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 17 डी. ये तो आपको पता होगा. तो और ए 14 किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस 13 डी. गिवन क्या है, ए 18 माइनस ए 14 इक्वल टू 32. ए 18 अब किसके इक्वल आया है, ए प्लस 17 डी के. और ए 14 किसके इक्वल होता है, ए प्लस 13 डी के. आ गया 32. इसके ए प्लस 17 डी, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसके बाहर क्या है, माइनस का साइन है. तो ये बन जाएगा माइनस ए माइनस 13 डी इक्वल टू 32. ए से ए कटेगा, 17 डी माइनस 13 डी इज इक्वल टू 4 डी इक्वल टू 32. तो डी इक्वल टू 32 अपॉन 4 इक्वल टू 8. डी क्या है, 8. 8 इज द राइट आंसर. विच ऑप्शन इज दिस, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज, इट सेज ए बी सी इज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, हुज वर्टिसेस आर, बी वर्टिसेस गिवन है 4, 0, सी 4.3 एंड डी इज 0.3. द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगनल्स. और हमने इसके किसी एक डायगनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है. रेक्टेंगल है तो टू डायगनल्स ही होंगे इसके, और हमें सिर्फ किसी एक डायगनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है. जो ऑप्शंस हमें गिवन है आप देख सकते हैं. हमें गिवन क्या है, एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी डी.
तीन के में वर्टिसेस गिवन है, एक के में वर्टिसेस नहीं गिवन है, और हमें बोल रहे हैं कि किसी एक डायगनल को फाइंड आउट करो। तो हम कौन सा डायगनल फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन? हम बी और डी को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसके हमें वर्टिसेस गिवन है। ओके, तो हम बी और डी को ही फाइंड आउट, बी डी को फाइंड आउट करेंगे। तो बी की वैल्यू गिवन है 4.0, डी की गिवन है 0.3। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बी डी का। ओके, तो एक्स वन किसके इक्वल हो गया 4, एक्स टू 0, वाई वन 0, वाई टू 3। मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए लिख के रखती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने और आपको अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपको सिर्फ सीखने को ही मिले। तो बी डी क्या क्या फॉर्मूला होगा डिस्टेंस फाइंड आउट करने का? क्या फॉर्मूला है? एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। वैल्यू हम पुट करेंगे 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? इधर ही सॉल्व कर दूं मैं, ये क्या बन जाएगा? माइनस 4 होल स्क्वायर 16 माइनस 3 होल स्क्वायर 9, रूट 25। रूट 25 किसके इक्वल होता है? प्लस माइनस 5 के इक्वल होता है। ठीक है, तो कितने यूनिट्स आ गए? 5 यूनिट्स आ गए। तो देखते हैं है ये ऑप्शन में? यस इट इज एन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6.4 एंड 1.-7 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्स एक्सिस। रेशियो फाइंड आउट करनी है जिसमें कोई लाइन है जिसके दो हमें वर्टिसेस गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, और उसको कोई लाइन एक्स डिवाइड करेगी और एक्स उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अभी आपको ये समझ आएगा क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्या बोल रहे हैं? कोई लाइन है जिसके पॉइंट्स है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसके दो पॉइंट्स गिवन है, एक है 6.4 दूसरा है 1.-7, और इसको कोई लाइन डिवाइड कर रही है। ठीक है, मान लो यहाँ से कोई लाइन डिवाइड कर रही है, लाइन क्या है? एक्स एक्सिस है ये लाइन, और ये लाइन तो हम क्या बोलेंगे? एक्स। ठीक है, ये एक्स है तो फिर दूसरी वाली वाई होगी, और ये हमने बताना है कि ये लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। रेशियो आई है यहाँ पे M1 M2, हमें M1 M2 को यूज करके हम इसका फॉर्मूला, इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट्स हमें गिवन है X1 X2 Y1 Y2, ये हमें गिवन है। तो ये हो गया X1 Y1 और ये हो गया X2 Y2। ठीक है, तो X1 कितना हो गया 6, Y1 कितना हो गया 4 एंड X2 is 1 Y2 is -7। ठीक है, ये हमें गिवन है। रेशियो फिर हम मान लेते हैं कि लेट रेशियो इज इक्वल टू क्या मानते होते हैं हम? K is to 1, कॉन्स्टेंट इज टू 1। अब हमने क्या करना है, नाइन्थ में अपने पढ़ा था कि अगर हमने x के अकॉर्डिंग निकालनी है कौन सी रेशियो है, अगर x गिवन है तो y क्या होगा? 0, y कॉन्स्टेंट होगा, y 0 ले लेते हैं तब हम। तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू, मान लो कि हमने x को a मान लिया और y को 0। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी है हमने, तो x क्या हो गया? a हो गया और y हो गया 0, और रेशियो क्या होगी? K is to 1, तो M1 क्या हो गया? K और M2 क्या हो गया? 1। ठीक है, ये वाला x a, ये वाला y 0। y 0 क्यों? कि x के अकॉर्डिंग निकालना है तो y क्या होगा? 0 होगा। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा जब ये पैरेलल होता है तो वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ हमारे पास सारी वैल्यूज है X1 Y1 X2 Y2, ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके। तो x क्या है? a है। x क्या है? a। M1 क्या है? k। X2 1, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाइड है। ठीक है, M2 is 1 मल्टीप्लाइड बाय X1 is 6 अपॉन M1 plus M2, दैट इज K plus 1। मल्टीप्लाई करेंगे K plus 6 upon K plus 1, a की वैल्यू ही हमारे पास आई है। यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं? यहाँ से हमें कोई रेशियो मिल रही है, यहाँ से हमें कोई रेशियो नहीं मिल रही। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो
की रेशो नहीं मिलेगी, तो हम इसको यूज करते हैं। y क्या है, 0, m1 k, y2 is माइनस 7 प्लस m2 1 इंटू y1 इज 4 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व किया, माइनस 7 के प्लस 4 अपॉन के प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू माइनस 7 के प्लस 4। ये 4 को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 के, ये फिर माइनस 4 अपॉन माइनस 7 इक्वल टू k हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो k किसके कुल आया 4 अपॉन 7, मीन्स रेशियो के आई 4 इज टू 7। तो इससे हमें रेशियो मिल गई है k की जो कि है 4 इज टू 7, तो x इसको 4 इज टू 7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। देखते हैं ये है ऑप्शन में, यस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। थ्री पॉइंट्स लाइन ऑन अ वर्टिकल लाइन, कि कोई तीन पॉइंट्स हैं जो किसी वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दीज पॉइंट्स, वो तीन पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं। ऑप्शंस गिवन है 0.4, 4.0, 0.0, या तो ये तीन पॉइंट होंगे या फिर 4.3, 5.3, -12.3, या तो ये तीन होंगे या फिर -8.7, -8.-8 या -8.-100, या ये तीन पॉइंट होंगे या फिर -8.3, -8.8, 8.7, या ये तीनों पॉइंट होंगे। हमने वो तीनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो किसी वर्टिकल लाइन के ऊपर लाए करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन मैंने दोबारा यहाँ लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। वर्टिकल लाइन बता बोल रहे हैं, थ्री पॉइंट्स लाइन वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। अगर हम ग्राफ को देखें तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इस ऐसी वाली लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, तो इसी वर्टिकल लाइन के ऊपर हमने थ्री पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। मीन्स वो कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, वो वाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वाई की बात कर रहे होते हैं, जब वाई ऐसे गिवन होता है तो हम एक्स को क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो ले लेते हैं या फिर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पीछे क्वेश्चन आया था, हमने वैल्यू क्या ली थी, जीरो ली थी, वहां एक्स एक्सिस पैरेलल था, एक वाई के लिए था जीरो। अब यहाँ क्या, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन ये पैरेलल है तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, या फिर जीरो होगा या फिर कॉन्स्टेंट होगा, और वाई की वैल्यू वेरिएबल होगी, वाई चेंज होगा। तो देखो इसमें तीन ऑप्शन में एक्स किस में, एक्स कॉन्स्टेंट है, इसमें चेंज हो रहा है, इसमें भी एक्स की वैल्यू वेरिएबल है, इसमें एक्स कॉन्स्टेंट है -8, -8, -8, इसमें भी एक्स की वैल्यू वेरिएबल है -8, -8 एंड 8। तो जिस ऑप्शन में एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट होंगी और वाई वेरिएबल होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, बिकॉज यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल है, जब वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कॉस 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय डैश 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 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा अगर हम इस सबकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, 1/2 या -1। सिंपल है, अगर हमें पता हो तो कोस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो कोस 90 डिग्री 0, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये सब किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। वाई, बिकॉज कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। Now question number 15. Now question number 15. Given that sine alpha is equal to 1/2 and cos beta is equal to 1/2, then the value of alpha plus beta is क्या होगी, 0 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree.
हमें गिवन है साइन अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू, और हमने अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, गिवन है हमें ये, मैंने लिख के देख दिया है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन में कौन सी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? साइन 1/2, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया? अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ऐसे ही कोस बीटा इक्वल टू 1/2। कोस कब 1/2 होता है? व्हेन कोस 60 डिग्री होता है, तो ये 1/2 होता है। तो लिख देते हैं कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से पता चला बीटा किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। तो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इज अवर आंसर। ऑप्शन ए है, हाँ जी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। कि एक बैग है जिसमें 400 एग्स हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं? 400। उसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैड एग्स होंगे? प्रोबेबिलिटी है 0.035। और हमने फाइंड आउट करने हैं कि नंबर ऑफ बैड एग्स कितने होंगे। ऑप्शंस गिवन है, तो देखते हैं कितने होंगे। गिवन है हमें टोटल नंबर ऑफ एग्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स भी गिवन है, नंबर ऑफ बैड एग्स हमने फाइंड आउट करने हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो इसको एक्स मान लिया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने गिवन है? 400। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.035 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, 400 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डेसिमल लगा देंगे, आएगा 0.035 था। थ्री नंबर्स में डेसिमल लगेगा क्योंकि डेसिमल के बाद तीन नंबर है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, तो यहाँ डेसिमल लगेगा, तो आया 14.000। ठीक है, तो आंसर हो गया 14। तो 14 एग्स क्या है? वो बैड है, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी, ये नंबर है उसका। तो क्या आंसर है? आंसर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। बोल रहे हैं कि कोई नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मीन्स जो लीप ईयर नहीं है उसको रैंडमली उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि उसमें 53 संडेज होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी नॉन लीप ईयर में 53 संडेज हैं, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की क्या होगी। तो नॉन लीप ईयर क्या होता है? जो लीप ईयर नहीं होता। और नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। 365 डेज मीन्स क्या? हाउ मेनी वीक्स? 52 वीक्स होंगे। ठीक है, 52 7 364, तो और वन डे बच जाएगा, 52 वीक फुल आ जाएंगे और वन डे बच जाएगा। तो ये हमने देखना है कि जो वन डे बचा है, ये संडे हो सकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो संडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नेक्स्ट वीक में कितने डेज होंगे? जो अगला वीक स्टार्ट होगा इसमें 7 डेज होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 7। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उनमें संडे की होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 है, संडे तो एक ही आ सकते हैं एक वीक में, तो 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, है ये ऑप्शन में? यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप आपको समझ आ गया। 53 संडेज उन्होंने बोला था कि 53 संडेज होंगे किसी नॉन लीप ईयर में, क्या प्रोबेबिलिटी है? 52 वीक्स तो फुल हो जाएंगे, 52 संडेज तो आएंगे ही आएंगे, एक दिन बचेगा
जो कुछ भी हो सकता है पूरे वीक में, तो पूरे वीक में कितने संडे कितने डेज होते हैं, 7, और संडे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1, तो 1/7 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटीज, कि अगर कोई इवेंट अकर ही नहीं होता, हैपन ही नहीं होता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, 3/4 होगी, 1/2 होगी, या 0 होगी। देखो जैसे एक डाइस है, उसमें 1 to 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है, एक डाइस में 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो अगर हम बोल लें कि डाइस में 7 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 है कि 7 आ ही नहीं सकता उसमें, तो वही द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट कैन नॉट अकर क्या होगी, 0 आंसर होगा, जो है ही नहीं वो अकर ही नहीं होगा, हैपन ही नहीं हो रहा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। जैसे डाइस में 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। गिवन एट द HCF, असर्शन क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2592, देन देयर LCM इज 162। असर्शन में बोल रहे हैं कि HCF है दो नंबर्स का, कितने दो नंबर्स का, 16 है, और उनका प्रोडक्ट है 2592 और उनका LCM होगा 162। ये तो हमें सॉल्व करने पे पता चलेगा क्या assertion राइट है या रॉन्ग। और रीजन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन HCF into LCM इज इक्वल टू ए into बी, कि HCF मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं LCM से तो वो किसके इक्वल आता है, ए into बी नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ये तो सही है। HCF into multiple, HCF multiplied by LCM होता है product of these two numbers, right है, ये तो reason तो right है, assertion हम check करते हैं right है कि नहीं। तो given क्या है, HCF into LCM is equal to product होता है, means दो numbers को अगर हम multiply करते हैं उसको product बोलते हैं उसके answer को, तो HCF is equal to LCM is equal to product और A into B। HCF हमें given है 16, LCM हमने find out करना है, product हमें given है 2592, तो x किसकी इक्वल हो जाएगा, 2592 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या आएगी अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, अगर हम डिवाइड करते हैं तो HCF की वैल्यू LCM आएगा 162, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं LCM आ गया 162। तो assertion भी क्या बोल रहा है कि LCM 162 है, हाँ जी, तो assertion भी राइट है, रीजन तो ऑलरेडी राइट था, तो assertion एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू एंड r इज अ करेक्ट explanation of the assertion, ठीक है जी, option A is the right answer। बाकी भी पढ़ लेते हैं, A and B, A and R are true but R is not the correct explanation, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल R सही बोल रहा है, यही formula हमने पढ़ा हुआ है book में। A is true but R is false, ऐसा भी नहीं है, R भी true है। A is false but R is true, नहीं जी, A भी true है, तो ये भी गलत है, तो option A is the right answer। Now next question, क्वेश्चन नंबर 20, इफ इसे assertion और रीजनिंग का क्वेश्चन है एक। इफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर coincident, देन वी से दैट पेयर ऑफ लाइन्स इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, रीजन है, इफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल देन द पेयर हैज नो सॉल्यूशन एंड इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। पहले देखने assertion राइट है कि रॉन्ग, इफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर coincident, अगर pair of lines coincident है तो pair of lines is consistent and has a unique solution, जब consistent होते हैं क्या unique solution होता है, नहीं जी, unique solution नहीं होता, जब coincident या consistent होती हैं तो infinitely many solutions होते हैं, कि ये क्या बोल रहे हैं, unique solution, पर होते क्या है, many solutions, तो assertion क्या हो गया, wrong हो गया, तो assertion is wrong है इसमें, ठीक है, रीजन चेक करते हैं, assertion तो रॉन्ग हो गया, रीजन चेक कर लेते हैं। पेयर ऑफ लाइंस अगर पैरेलल है तो पेयर हैज नो सॉल्यूशन, तो पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा एंड इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। देखते हैं पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होते हैं, हाँ जी यही होता है, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, तो रीजन क्या है, रीजन तो राइट है, इट मीन्स assertion इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, बट यहाँ ए तो फॉल्स है तो ये नहीं ऑप्शन हो सकती। नेक्स्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, बट ए फिर से फॉल्स है, हमें पता है ए फॉल्स है, ये फिर से ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, नहीं जी ए फॉल्स है,
ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, यस ए फॉल्स आर ट्रू है, सो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन पेपर के सभी एमसीक्यूज खत्म होते हैं जो कि 20 मार्क्स के थे और 20 क्वेश्चन से थे। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवा दिया है। अगर आप एमसीक्यूज ही प्रॉपरली राइट करके आ जाओगे 20 मार्क्स तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी पूरी ट्राई करूँगी। अब इसका सेक्शन बी सी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विद अदर्स ताकि बाकियों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, स्टे इन टच।